एक बार फिर से आपका सुजान अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। अभी तक जो हमारा फर्स्ट ग्रेड के वीडियो लेक्चर की सीरीज है, उसमें जो टॉपिक चल रहा था वो तरलों के जो गुण हैं, गुणधर्म हैं, उन पर हम बात कर रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के ऊपर। तो उसमें हमने जो है आयलर की इक्वेशन यानी कि आयलर की समीकरण देख ली थी, देन उसके बाद में बर्नौली प्रमेय जो है वो देख लिया था, और बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग पे हम चल रहे थे, जिसमें दो अनुप्रयोग हमने देख लिए थे। तीसरा जो अनुप्रयोग है, जिसे हम कहते हैं बहिस्त्राव वेग यानी कि टोरी सेरी प्रमेय के नाम से भी उसे जानते हैं, वहां पे हम क्या निकालेंगे कि अगर मान लीजिए किसी हाइट के ऊपर कोई टंकी बनी हुई है, ठीक है, या कोई पात्र है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें आप छेद कर देते हैं, तो उससे निकलने वाला जो द्रव होगा या पानी होगा, ठीक है, उसका वेग कितना होगा, बहिष्कार मतलब बाहर निकलने वाला वेग कितना होगा उससे निकलने वाले का, और देन उसके बाद में उसको कितना टाइम लगेगा, कितनी वो डिस्टेंस कवर करेगा क्षैतिज दिशा में, ये सारी चीजें हम जो है यहाँ पे देखना चाहेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा अभी वो रहेगा बहिष्कार वेग। ठीक है, बहिष्कार वेग। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम इसे कहेंगे तो इसे कहेंगे हम वेलोसिटी ऑफ इफ्लुक्स। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लुक्स, ठीक है, या इफ्लुक्स कह सकते हैं। अब इसको अगर मान लीजिए मुझे इसको जो देने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम टोरी सेरी था, तो इसको टोरी सेरी प्रमेय के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट अगर नाम कहेंगे उसको, जो मैक्सिमम इसको जो जाना जाता है वो टोरी सेरी के नाम से, टोरी शैली प्रमेय, ना शैली प्रमेय, टोरी शैली प्रमेय, और इंग्लिश में इसे कहते हैं टोरी शैली। ठीक है क्या, बड़ा सिंपल सा है, नाम लिखने में थोड़ा अजीब सा दिखता है, स्पेलिंग वगैरह भी, ठीक है, उससे हमें नहीं जाना, हमें जाना क्या है, कंसेप्ट पे जाना है। ठीक है, कंसेप्ट क्या है कि ये मान लीजिए आपके पास कोई एक इस तरह की हाइट पे टंकी है, इसमें आपने कोई लिक्विड भर रखा है, इसकी जो टोटल हाइट जो है खास है अर्थ सरफेस से अगर हम देखें तो कितनी है, कैपिटल एच है। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ से क्या करते हैं हम, इस जो इसका इस सबसे ऊपर वाला सिरा है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या भर रखा है, लिक्विड का जो सबसे ऊपर का सिरा है उस पर कौन सा प्रेशर लग रहा है, जो आपका वायुमंडलीय यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा है वो पी है, उससे हम क्या करते हैं एच हाइट के ऊपर या एच दूरी के ऊपर एक होल कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है, एच दूरी पे हमने क्या किया है कि होल कर दिया है। ठीक है, अब अगर एच दूरी पे हम होल कर देंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये जो पानी है या जो भी लिक्विड होगा वो क्या करेगा, बाहर गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब बाहर गिरना स्टार्ट होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी कितनी होगी, वी, तो ये वी वेलोसिटी मुझे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है पहली चीज। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बची है कितनी बच जाएगी, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बच जाएगी। ठीक है, होगी यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए कि एक मेरा सिचुएशन कौन सी है, ये वाली एक सिचुएशन कौन सी है, ये पी वाली है ना, दो जगह मुझे लगाना है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये बर्नौली प्रमेय का अनुप्रयोग है, तो बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग को हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज में लेना है। ठीक है, तो मैं अगर इस स्थिति की बात करूँ यहाँ पे, है ना, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो प्रेशर कितना है, पी, प्रेशर कितना है, पी। उसके बाद में क्या यहाँ पे द्रव जो है वो गति में है, मोशन है, मोशन नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी कितनी है, जीरो। जो वेलोसिटी जीरो है तो दूसरी टर्म आएगी नहीं, सीधी कौन सी आ जाएगी, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, है ना, तो कौन सी होती है, रो इसका क्या है, मान लीजिए जो भी आप फ्लूइड ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं, उसका रो क्या है, डेंसिटी है, तो डेंसिटी है तो क्या हो जाएगा, रो जी एच, तो रो जी एच कितनी हाइट पे है, तो कैपिटल एच हाइट पे है, तो हमने वो ले ली, इक्वल टू यहां वाला जो द्रव है उसके लिए देखिए, उसके लिए क्या हो जाएगा, प्रेशर कितना होगा, पी। ठीक है, प्रेशर कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे भी क्या है, एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे भी क्या है, एटमॉस्फेयर, यानी कि दोनों जो है वो क्या है, एटमॉस्फेयर ही है। दूसरा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे वेलोसिटी है, क्योंकि द्रव बाहर निकल रहा है, तो उसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया हाफ रो वी स्क्वायर प्लस। अब यहाँ से अगर मैं द्रव की हाइट देखता हूँ तो कहाँ से देखनी है, अर्थ सरफेस से कितना ऊपर है, तो अर्थ सरफेस से कितना है, एच माइनस एच ऊपर है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एच माइनस एच, तो रो जी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ठीक है, पी से पी क्या हो गया, कैंसिल आउट,
दूसरी इक्वेशन मुझे वी फाइंड आउट करना है, तो बाकी सबको इधर लूंगा और रो भी क्या होगा, देखो यहाँ पे भी रो है, तीनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या वी स्क्वायर इक्वल टू, है ना, वी स्क्वायर इक्वल टू इसको इस तरफ ले जाएंगे तो जी एच माइनस, ठीक है, हाफ भी यहाँ रहने दीजिए, रो स्क्वायर, तो ये क्या हो गया जी एच माइनस, ये इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा जी एच माइनस, तो कुल मिला के क्या हो गया वी स्क्वायर अपॉन टू, ये जी एच यहाँ से लिखेंगे तो माइनस जी एच और ये प्लस में स्मॉल जी एच वाला, तो ये क्या हो गया कैंसिल आउट, तो वी इक्वल टू कितना आएगा रूट में टू जी एच। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो निकलने वाला द्रव या फ्लूइड है वो क्या करेगा, जो वेग होगा उसका वो कितना हो जाएगा रूट में टू जी एच, यानी कि जितनी हाइट ये नीचे गिरता है वो हाइट लेनी है एच। ये कन्फ्यूजन मत रखना, क्वेश्चन में कई बार आपको ये हाइट देंगे कई बार ये वाली हाइट देंगे, ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन दूर रखना है कि हमें जो यहाँ एच आ रहा है फॉर्मूले में वो कौन सा आ रहा है, कि जो इसका ऊपर का सरफेस है मैक्सिमम सरफेस वाला है उससे लेके और जहाँ पे ये छेद बनाया हमने उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है वो वाली डिस्टेंस लेनी है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस से डिस्टेंस नहीं है, समझ में आ गया मेरी बात। चलिए तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया टोरिशेरी परमे के अकॉर्डिंग बहिस्राव वेग, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लुइड्स कितनी है वो इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि अब जो है इसको यहाँ से यहाँ गिरने में टाइम कितना लगा, ठीक है, कि जब ये यहाँ से स्टार्ट होता है निकलना तो ये क्या करेगा यहाँ पहुँचेगा तो क्या लगेगा इसको और सरफेस तक पहुँचने में कुछ टाइम लगेगा, वो टाइम मुझे फाइंड आउट करना है, जिसे मैं क्या कह रहा हूँ स्मॉल टी कह रहा हूँ, तो वो टाइम कितना होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए तो अब वो जो टाइम फाइंड आउट करना है तो मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो आइए यहाँ से जब ये नीचे गिर रहा है तो डायरेक्शन कौन सी है, ये किस में मोशन हो रहा है टू डी में, ये दिमाग में रखिए आप, किस में मोशन हो रहा है, एक तो वाई डायरेक्शन है और एक कौन सी है एक्स डायरेक्शन है, तो नीचे गिरने का टाइम चाहिए मुझे, नीचे गिरने का टाइम चाहिए, इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन चाहिए मुझे, वाई डायरेक्शन वाले केस की मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो वाई एक्सिस के अंदर क्या होगा, वाई एक्स में, वाई एक्स के अंदर जो है अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी देखता हूँ इसकी तो वो कितनी है, इसको वी से दे देता हूँ मैं, वी वाई कितनी है जीरो है, ठीक है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है कौन सी डायरेक्शन में निकल रहा है एक्स डायरेक्शन में निकल रहा है, जो वी वेलोसिटी है, वाई में इनिशियल कितनी है जीरो है, वाई के अंदर जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा जी, नीचे ही मोशन हो रहा है और नीचे जी लगता है तो इसका मतलब क्या आएगा स्मॉल जी आ गया। उसके बाद में मुझे फाइंड आउट क्या करना है, टी फाइंड आउट करना है, दूरी कितनी तय कर रहा है वाई डायरेक्शन में, दूरी कितनी तय कर रहा है एच माइनस कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच दूरी तय कर रहा है, तो कुल मिला के आप देखिए मुझे फाइंड आउट क्या करना है टाइम, तो टाइम में इन सब में रिलेशन जो है वो कौन देता है, सेकेंड वाला इक्वेशन, सेकेंड वाली इक्वेशन क्या कहती है गति की, सेकेंड वाली इक्वेशन कहती है कि एस वाई बराबर हो जाएगा वी वाई टी प्लस, देखिए v क्या है यहाँ पे प्रारंभिक वेग है ना, इनिशियल वेलोसिटी है, v का मतलब आप फाइनल में चल जाना, हाफ ए वाई टी, ठीक है, सॉरी टी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा जीरो, बता क्या ये, तो यहाँ से t निकालोगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा टू इंटू एस वाई कितना है एच माइनस एच अपॉन कितना है जी, तो जी, तो कुल मिला के आपके पास टी जो यानी कि इसका जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा रूट के अंदर टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन जी, ठीक है। ये क्या आया, ये वो टाइम है जब ये पानी या फ्लूइड जो है जब यहाँ से निकलता है तो उसको अर्थ सरफेस तक पहुँचने में कितना समय लग जाएगा, ये क्या आ गया हमारे पास टाइम पीरियड आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, नीचे जब अर्थ सरफेस तक पहुंचेगा, पहुंचने से पहले ये जो डिस्टेंस है ये कितनी ट्रेवल करेगा, यानी कि एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये सारी चीज़ें हम परवले वाला जो है ना प्रक्षेप्य वाला उसमें पढ़ चुके हैं, वही चीज़ें मैं यहाँ वापस यूज कर रहा हूँ ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि मुझे एक्स फाइंड आउट करना है, तो एक्स क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में वेग कितना है कॉन्स्टेंट वेग है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब कॉन्स्टेंट वेग कितना है वी, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा टी, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा टी, तो टी टाइम में एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वो कितनी करेगा वी इंटू टी करेगा, तो वी कितना है, तो आप देखिए अभी जस्ट निकाला था वी है हमारे पास रूट में टू जी एच, टाइम कितना है ये रहा मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, रूट जी से रूट जी कैंसिल, ठीक है, इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर होकर इसको सॉल्व करेंगे तो टू टू क्या आ जाएगा बाहर, ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट जी से जी रूट में टू एच और रूट में क्या चलेगा एच और एच माइनस एच, ठीक है, ये क्या आ जाएगा इसका कुल मिला के
ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू किसकी आएगी, ये आएगी कि एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये थोड़ा बी सा लग रहा है, इसको ऐड कर देता हूँ, है ना, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये सारा का सारा जो हमने पढ़ा, ये क्या है, टोरी चेरी परमेय, ठीक है, क्या है, टोरी चेरी परमेय है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, चलिए। तो कुल मिला के जो है टोरी चेरी परमेय क्या कहता है, टोरी चेरी परमेय कहता है कि द्रव को यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो वेग होगा, वही वेग क्या होगा, यहाँ से यहाँ गिरने में उतना वेग जो होगा वही होगा उसका, और वेग कितना हो जाएगा, वी इक्वल टू रूट में टू जी एच हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के बर्नौली परमेय की तीन जो आपके कोर्स में है प्रयोग, या कह सकते हैं अनुप्रयोग, उन अनुप्रयोग को हमने देख लिया है। पहला कौन सा था, जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं, बहिस्राव जो उसके अंदर वेंचुरी प्रवाह मापे, है ना। तो वेंचुरी प्रवाह मापे में क्या निकालते हैं, द्रव का प्रवाह निकालते हैं। दूसरा क्या था, दूसरा अगर मैं देखूं तो हमारे साथ पिटोट नली, और तीसरा कौन सा है, टोरी सेरी परमेय। अब इस पर एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर उसके बाद में फिर जो है इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि उससे बाद में जो है आगे के नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, है ना। ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन जो भी होना था वो हो गया आपका, टोरी सेरी परमेय पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, देन उसके बाद में जो प्रभाव वाला केस था उसका आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, जो आपको फॉर्मूला या फिर फॉर्मूले पे कोई एग्जांपल पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक दो, ये एग्जांपल है कि देखिए, भिन्न भिन्न व्यास के दो क्षैतिज पाइप एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है, दो पाइप हैं, ठीक है, और वो क्या है, हॉरिजेंटली, तो हॉरिजेंटली एक दूसरे से क्या कनेक्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में है जिसमें पानी बह रहा है, लिक्विड कौन सा है, पानी उसमें फ्लो कर रहा है। पहले पाइप में पानी की चाल, गिविन लिख लेता हूँ पहले मैं, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो गिविन लिखना बड़ा जरूरी है, है ना। पहले पाइप में यानी कि वी वन कितना दे रखा है, वी वन हमें दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड दे रखा है। उसके बाद में दाब, पहले पाइप में क्या दे दिया, वेलोसिटी, प्रेशर कितना दिया है, प्रेशर दिया है 0.2 × 10⁴ N·m² दिया है, ठीक है। तीसरा, दूसरे पाइप में पानी की चाल व दाब की गणना कीजिए, पाइपों के व्यास क्रमशः, पाइपों के व्यास, व्यास का मतलब क्या हो गया, उसका डायमीटर दे दिया। तो पहले का डायमीटर कितना दिया है, पहले का जो डायमीटर है वो दिया है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और दूसरे का जो डायमीटर दिया है वो दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, अब यहां से जो है एक चीज आप समझिए कि आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या दिया है, P2 आपको फाइंड आउट करना है और एक V2 फाइंड आउट करना है, दो चीजें आपको फाइंड आउट करने के लिए दी है। अब अगर मान लीजिए मैं इसमें बर्नौली थ्योरम का डायरेक्टली प्रयोग करना चाहूँ, तो बर्नौली थ्योरम में क्या आता है, बर्नौली थ्योरम में प्रेशर भी है, वेलोसिटी भी है और हाइट भी है। अब हाइट का यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हाइट जो आपको दे रही थी, क्योंकि क्षैतिज है, जब भी क्षैतिज नाम आता है तो उसका मतलब क्या होगा, वो इक्वल होगी, तो वो वाला केस तो वहाँ से हट गया कि जो आपके पास गुरुत्व के कारण से जो ऊर्जा थी वो तो कितनी हो गई, दोनों में समान, तो दोनों इक्वेशन में वो कट जाएगी। लेकिन इसके अंदर अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ, सीधा बर्नौली थ्योरम, ठीक है, जिसका मैं यूज भी करूँगा बाद में करूँगा, तो पहले मैं देख लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि अगर आप सपोज कर लीजिए इसका डायरेक्टली यूज करते हैं, अभी बना ना V1² = P2 + ½ρV2² H वाले टर्म क्यों नहीं ली, क्योंकि H दोनों में सेम है। देखिए क्वेश्चन में गिविन नहीं है, लेकिन एक लाइन लिखी थी क्या, क्षैतिज, तो ये दिमाग में रखना कि जब भी क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल नाम आ गया पाइप में, तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें H वाला जो टर्म है वो अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है, ये क्वेश्चन में से निकालना होगा हमें। नेक्स्ट क्या है कि ये कंडीशन है, तो इस कंडीशन में मान लीजिए मैं P1 और V1 की वैल्यू रख भी देता हूँ, ठीक है, P1 और V1 की वैल्यू रख भी देता हूँ, तो भी दिक्कत क्या आ जाएगी मेरे साथ, क्योंकि मेरे पास दो अननोन है, तो इस इक्वेशन को मैं सोल्व नहीं कर सकता भाई, दो नोन है, दो अननोन है, तो इक्वेशन सोल्व नहीं हो सकती, एक सिंगल नोन होना चाहिए तब इक्वेशन हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब ऐसी इक्वेशन आपके पास आ जाती है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए, मैंने जब आपको साधारणता समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ाई थी, तब भी मैंने कहा था कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और ये दोनों क्या है आपके लिए, इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए रामबाण इलाज है, ठीक है। तो आप जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो सीधा कहाँ पहुंच जाए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है कि रो वी ए, है ना, रो वी ए क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, रो वन वी वन ए वन इज इक्वल टू रो टू वी टू और ए टू के। अब इसमें क्योंकि पूरे लिक्विड में पानी बह रहा है तो इसका मतलब क्या है, रो वन और रो टू दोनों इक्वल है, तो कुल मिला के बचेगा क्या, वी वन ए वन इक्वल टू वी टू ए टू। आगे समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब आपके पास यहाँ से V2 फाइंड आउट कर सकते हो, V2 कितना हो जाएगा, V2 इक्वल टू हो जाएगा V1 A1 अपॉन A2। A1 A2 क्या है, एरिया किसका, पाइप का। तो पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, अगर पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो पाई आर स्क्वायर होता है ना। पाइप कैसा होता है, उसका जो मुंह है क्रॉस सेक्शनल वो कैसा था, सर्कल के आकार का होता है, तो पाई आर स्क्वायर हो गया उसका। तो आप यहाँ वैल्यू रखेंगे तो V2 इक्वल टू क्या होगा, V1 हो गया मेरे पास 4 इंटू A1 कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मतलब 3/2 × 3/ अच्छा सेंटीमीटर में है ये देखिए, तो इसको किस में बदलना है, मीटर में, ये गलती भी मत कर देना है ना, हमें हमेशा किस में चलना है, एम के एस में। तो जैसे इसको मीटर में बदलोगे तो क्या करोगे, 100 का भाग दोगे तो 0.3, या इसको कैसे कह सकता हूँ 3 × 10^-2 कर दीजिए, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 × 10^-2 मीटर में, और ये भी मीटर में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 9, ठीक है, 10^-4 डिवाइडेड बाय A2 कितना हो जाएगा, ठीक है, A2 होगा इसका एरिया हो जाएगा पाई इंटू, और ये है 6 × 6 36 × 10^-4 से माइनस 4 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, ये वैल्यू आप देख लीजिए कितना आएगा 9 × 4, ठीक है 36, और ये भी कितना हुआ 36, तो कुल मिला के कितना आ गया 1 m/s। तो V2 कितना आया 1 m/s, कोई समस्या नहीं है ना, कितना आ गया 1 m/s जो है आपके V2 आ गया। अब नेक्स्ट क्या है कि आपके पास V1 है V2 है और P1 है, तो जो V1 है P1 है और ये है, तो आप ये सारी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है ना, ठीक है। तो आपने क्या P2 का फॉर्मूला क्या बना, P2 इक्वल टू P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बना, इसका फॉर्मूला बना। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, इन सब की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, तो कर दीजिए वैल्यू पुट, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, तो ये है 2 × 10^4, ठीक है, प्लस में हाफ रो, कितना है रो, आप हमेशा ध्यान रखिए पानी के लिए जो रो होगा वो कितना होगा, रो इक्वल टू 10^3, 10^3 किसमें, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना, और ये हमेशा ध्यान रखिए, पानी जब भी क्वेश्चन में आ जाता है तो पानी के लिए आपको यही रखना चाहिए, गिविन हो चाहे नहीं हो ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10^3 के अंदर, ठीक है, चलो मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, वी वन स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 हो गया, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन गई इस तरह से, तो ये हो गया 4 × 10^4 प्लस, ठीक है, बीच में क्या है प्लस, ये कन्फ्यूजन मत हो जाना मल्टीप्लाई और इसके अंदर, तो पहले मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे तो 15/2 × 10^3, तो कितना आया ये 2 × 10^4 कितना आएगा 7.5, है ना, 7.5 × 10^3, इसको किसमें कन्वर्ट करें 10^4 में, तो कितना हो जाएगा 2.75 × 10^4 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि देखो 7.5 जो है इसको मैं 0.7.5 × 10^4 कर सकता हूँ ना, इस वाली इक्वेशन को भाई एक पॉइंट आगे बढ़ाऊंगा तो उधर एक ऊपर घात में बढ़ जाएगी, तो घात बढ़ा दी तो हमारे पास क्या आ गया, फाइनल जो आंसर आया वो कितना आया 2.75 × 10^4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया मेरे पास 2.75 × 10^4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो प्रेशर है वो किस में आ जाएगा, दूसरे वाले पाइप में प्रेशर आ जाएगा, जिसके लिए कि डायमीटर कितनी है 6 डायमीटर होगी, ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये हमने एक क्वेश्चन कर लिया, इसी तरह से हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। हाँ, अब एक मैं वेंचुरी प्रवाह मापी का क्वेश्चन ले लेता हूँ, वेंचुरी प्रवाह मापी का जो है वो क्वेश्चन ले लेता हूँ। हाँ है यहाँ पे, इंक बोल लेते हैं एक बार, है ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एक क्षैतिज नली, फिर से देखिए स्टार्टिंग में दिया क्षैतिज नली, जैसे ही क्षैतिज नाम आ जाए बस आप जीवन के अंदर ये चीज कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही क्षैतिज नाम आ जाए तो आपको क्या ध्यान रखना, एच वन इक्वल टू एच टू इक्वल टू एच, यानी कि फिक्स आपने मान लिया कि एच वन इक्वल टू एच टू, ये एच भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने पास जो सबसे लास्ट की इक्वेशन है बर्नौली के अंदर वो क्या हो जाएगी, वहां से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और क्योंकि देखिए जब वेंचुरी प्रवाह मापी तो उसमें हम क्या मानते हैं, क्षैतिज नली ही लेते हैं, ठीक है। उसका हो सकता है कि व्यास अलग अलग हो, वो एक अलग बात है, ठीक है। एक पतली नली होती है, एक मोटी नली होती है, लेकिन होती क्या है, वो क्षैतिज ही होती है, ठीक है। एक क्षैतिज नली के दो बिंदुओं ए व बी पर भिन्न भिन्न अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है ना, भिन्न भिन्न अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। ए का व्यास, यानी कि दो नलियां ए और बी है, तो ए का जो व्यास है वो कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। जो नलियां ए और बी है तो ए नली के लिए डायामीटर है, जिसे मैं D1 कह रहा हूँ, वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। नली जो बी है उसके लिए जो डायामीटर है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये गिवन है हमें। उसके बाद में नेक्स्ट, ए तथा बी पर दो मैनोमीटर भुजाएं लगी है, मैनोमीटर भुजाएं यानी कि क्या नापती है, जो प्रेशर नापती है, किसमें, MGH ROGH वाले उसमें, है ना, मैनोमीटर लगी भुजाएं हैं, जब 0.8 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व का द्रव नली में से होकर बहता है, ठीक है। रो दे दिया है, द्रव का दिया है घनत्व, तो रो कितना दिया है, रो हमें दिया है 0.8 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। घनत्व का द्रव नली से होकर बहता है तो मैनोमीटर की भुजाओं के बीच में दाबांतर 8 सेमी, दाबांतर 8 सेमी होने का मतलब क्या है, जो हमारा एच है, दाबांतर का मतलब क्या हुआ, P1 माइनस P2 हम जो निकालेंगे, जिसको हम क्या कह रहे हैं, रो जी एच कहते हैं, है ना, उसमें से जो एच दिया है वो एच कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। अब दाबांतर 8 सेंटीमीटर देने का मतलब क्या है, दाबांतर का मतलब रो जी एच का मान नहीं दिया, किसका दिया, एच का मान दिया। अब यही मान लीजिए क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता तो हम क्या लेते हैं, इसको पूरा प्रेशर लेते हैं, समझ में आ गया मेरी बात को। चलिए नेक्स्ट क्या है, नली में बहने वाले द्रव के प्रवाह की दर, अब देखिए द्रव के प्रवाह की दर, इसका मतलब कहाँ जाना है, वेंचुरी प्रवाह है मापी में जाना है, ठीक है, वेंचुरी प्रवाह मापी में जाके इसको सोल्व करना है। चलिए कर लेते हैं, तो सबसे पहले वेंचुरी प्रवाह मापी का अगर मैं फॉर्मूला देखूँ द्रव के प्रवाह का, तो वो क्या होता है, वो होता है ये, है ना, कि वी इक्वल टू A1 A2 रूट के अंदर 2GH A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है उसका वेंचुरी प्रवाह मापी का, कोई समझते हैं यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब मुझे क्या करना है, इस पूरी की पूरी इक्वेशन के अंदर सारी जो वैल्यू है वो मुझे रख देनी है। अब रखने के लिए मुझे क्या चाहिए, एच चाहिए, एच हमें गिविन है, ठीक है, इस इक्वेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला जी 9.8 होता है, लिख दीजिए जी कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। A1 और A2 चाहिए मुझे, तो A1 A2 कहाँ से निकाल सकता हूँ, डायमीटर वाले से निकाल सकता हूँ, ठीक है। जैसे डायमीटर वाले जैसे निकालूंगा तो A1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, सीधा रख दूँ मैं तो, या तो वैल्यू पहले इसको आप कर लीजिए कन्वर्ट, -2 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 2 × -2 मीटर स्क्वायर, नहीं सॉरी मीटर, उसके बाद में ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.08 या 8 × 10⁻²⁻² मीटर। और कुछ है क्या, वो भी किलोग्राम मीटर क्यूब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी वैल्यू यहाँ रख दीजिए और इसका आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं इसका आंसर, तो वी इक्वल टू A1 में π r² ठीक है, तो π r² का मतलब इसका आधा लेना है, आधा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं सॉरी हाँ r² है ना, π r² तो क्या होगा, π r², तो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना, आधे का स्क्वायर करेंगे तो कितना है, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 × 10⁻², इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 4, ठीक है। नेक्स्ट में चलिए, नेक्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या है, A1 स्क्वायर, तो फिर से क्या करोगे, π × A1 का हमने कर लिया, A2 का, इधर कितना रहा, 2 का आधा कितना हुआ, 1 का स्क्वायर फिर से 1 × 10, और ये कितना हो जाएगा, π4 में। अगला चलिए, यहाँ पे यहाँ रहा 2GH, तो 2 × 9.8 × H कितना है, 8 × 10⁻²⁻² में, इसमें आ जाइए, नीचे क्या करना, A1 स्क्वायर, A1 कौन सा है हमारा, ये वाला, तो 4 का आधा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 × 10⁻²⁻⁴, ठीक है, स्क्वायर करेंगे, इधर R का स्क्वायर फिर से करेंगे, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये लिख लीजिए, R कितना होगा, 2 × 10⁻²⁻² मीटर।
आर टू कितना होगा, तो 1 × 10⁻²⁪ मीटर। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर क्या हो जाएगा, पाई तो ऑलरेडी है यहाँ पे अपने पास, तो ये पाई, ठीक है, माइनस के अंदर फिर से यहाँ पे क्या आएगा, पाई, और कितना आएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 और × 10⁻²⁴। इन सबको सोल्व करिए तो क्या जाएगा, पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 3.14 का स्क्वायर इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻²⁸। ठीक है, नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व, तो कितना आएगा, 16 × 9.8 × 10⁻²⁪ डिवाइडेड बाय, यहाँ कितना आ जाएगा, अगर मान लीजिए मैं पाई कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, जैसे ही पाई कॉमन लूँगा तो 4 − 1 कितना हुआ, 3, तो ये जाएगा 3 पाई, पाई का मतलब 3.14 × 10⁻²⁴। अब इन सबको सोल्व करेंगे, अब सोल्यूशन जो है आप करते रहना, मैं इसका फाइनल आंसर आपको बता देता हूँ, फाइनल आंसर जो इसका आएगा वो आएगा 4.06 × 10⁻⁴, यानी कि 4.06 × 10⁻²⁴ बहिस्त्राव वेग है, तो बहिस्त्राव वेग किसमें आएगा, बहिस्त्राव वेग आ जाएगा मीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम पर सेकेंड, है ना, तो बहिस्त्राव वेग किसमें आ जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड के अंदर, किसका, जो भी हमारे पास द्रव है उसका। ठीक है, सिंपल सा है क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें क्या पूछा गया है बहिस्राव वेग, तो आप सीधा सीधा कहाँ पहुँच जाइए, सीधा सीधा इसमें वेंचुरी प्रवाह मापी में पहुँच जाइए, और वेंचुरी प्रवाह मापी का जो फॉर्मूला है वो बड़ा सिंपल सा है, P = A1A2√2gh/A1²-A2²। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी यहाँ तक, और मैं देख लेता हूँ कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आपको कराने लायक हो। चलिए एक ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो टोरी सेरी परमे पर है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, एक बेलनाकार टंकी का व्यास, ठीक है, जो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन, जब भी लेंथी क्वेश्चन लगे ना आपको जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आप एक एक करके लिखते जाइए ताकि आपको क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। फिर से गिवन, गिवन क्या है कि जो बेलना वाला टंकी है उसका व्यास डी दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 मीटर, तो हमें डी का कहीं कोई फॉर्मूला नहीं है, आर का फॉर्मूला होता है, आर कितना हो गया, 1/2 मीटर हो गया। ठीक है, चलिए ऊंचाई, टोटल ऊंचाई हाइट कितनी दे रखी है उसकी, 1 मीटर दे रखी है। टंकी पानी से भरी हुई है, ठीक है, भर ली, मान ली, यदि टंकी की तली से 20 सेमी ऊंचाई पर 1 सेमी व्यास का छिद्र हो जाता है, तो छिद्र से निकलने वाले पानी का वेग, अब इसका मतलब क्या है, समझ में आ गया क्वेश्चन पढ़ते ही, क्या समझ में आ गया कि टंकी है उसकी ऊंचाई दे रखी है, उसका जो है नीचे से जो धरातल है उससे 20 सेमी ऊपर क्या कर दिया, छेद में से पानी निकल रहा, जिसका मतलब कौन सा है, वही टोरी सेरी पनमे वाला कंडीशन है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ तो टोटल मिला के टंकी की ऊंचाई कितनी है, 1 मीटर, यहाँ से क्या कहा गया है, यहाँ से 20 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है, ये क्वेश्चन में बड़ा जरूरी है कि आपको गिविन क्या है, 20 सेंटीमीटर ऊपर क्या किया आपने, छेद किया है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर ऊपर क्या किया है, छेद किया है, और जो आपका टंकी का व्यास है यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर, ये जो छेद किया है, इस छेद की जो व्यास है यानी कि इसको मैं डी डैश कह देता हूँ, डी डैश कितना है, वो आपका 1 सेंटीमीटर है, यानी कि जो ये व्यास है कितना है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके साथ साथ में क्या किया गया है कि छिद्र से निकलने वाले पानी का वेग ज्ञात कीजिए और प्रवाह की दर सीसी पर सेकंड में ज्ञात कीजिए, किसमें, सीसी पर सेकंड, इसका मतलब क्या है, सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकंड में इसको फाइंड आउट करना, तो इसका मतलब क्या है, जो हमें इक्वेशन लेनी है, कौन सी इक्वेशन, सेकंड वाले केस के लिए जब बहिस्राव वेग निकालोगे तो वो क्या आएगा, सेंटीमीटर में लेनी, नहीं कि मीटर में, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जैसे जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले बहिस्राव वेग देखते हैं, तो बहिस्राव वेग क्या होता है, बहिस्राव वेग होता है वो होता है √2gh होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। एच कौन सा है, एच वो है जो यहां से ले रहे हैं, अब यही क्वेश्चन में आपको ना हमेशा देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनर देगा वो एग्जामिनर ये हाइट आपको देगा, ऊपर वाली हाइट नहीं देगा, तो इसका मतलब क्या है, आप मैक्सिमम लोग ये गलती करेंगे इस क्वेश्चन में कि इसको 20 रख के सोल्व कर देंगे, वही आपकी क्या होगी, सबसे बड़ी भूल होगी एग्जाम की। ठीक है, यहाँ पे जो मुझे एच फाइंड आउट करना है वो एच क्या हो जाएगा, वो मेरा होगा 1 मीटर, यानी कि इस एच में से इसको माइनस करूंगा, 1 मीटर माइनस 0.2, क्योंकि इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है,
तो कितना आया 0.8 मीटर क्या होगा मेरे पास एच होगा। अब यहाँ से मैं इसका वेग फाइंड आउट कर लूँगा, इसमें थोड़ा स्मॉल लिख देता हूँ ठीक है। वेग किसमें लिखते हैं स्मॉल में, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 2gh, तो 2 × 9.8 × 0.8। और जब आप इसका अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, मैक्सिमम आपको g की वैल्यू 10 दे देंगे है ना, क्या होगा नॉर्मली आपको g की वैल्यू 10 दे देंगे ताकि आपकी इक्वेशन क्या होगी आराम से सोल्व हो जाए। तो आप भी क्या कर लीजिए इस इक्वेशन में g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड निकाल लीजिए है ना। तो जैसे ही आप 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 2 यानी कि 16 का रूट निकालेंगे तो कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा इसका वेग आ जाएगा ठीक है। कोई समस्या नहीं है ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है इसका सॉल्यूशन करना है। अब जैसे क्वेश्चन में इसमें आपको g इक्वल टू 9.8, अब देखिए ये करने की ट्रिक है, g इक्वल टू कितना दिया 9.8, तो जैसे 9.8 देंगे तो 9.8 से इसको सोल्व करेंगे, जब 9.8 से इसको सोल्व करोगे तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी वो हो जाएगा 3.96, कितनी वैल्यू आ जाएगी 3.96 मीटर पर सेकंड आ जाएगी ठीक है। एग्जाम में जब करोगे तो आप 10 लेके कर लेना ताकि आप उसके आसपास जाके आंसर लगा सकते हैं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे कैलकुलेशन को कम करने के लिए ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या पूछा इन्होंने, नेक्स्ट ये कहा है कि ये वेग कितना होगा, सॉरी ये जो प्रवाह है वो प्रवाह कितना होगा। तो प्रवाह का मतलब आप सबसे पहले मतलब समझना होगा, प्रवाह की दर का मतलब होता है हमेशा, प्रवाह की दर का मतलब है रेट फ्लो का जो मतलब है प्रवाह दर, इसका मतलब है आयतन, आयतन पर सेकंड या आयतन पर सेकंड या वॉल्यूम पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितना वॉल्यूम जा रहा है उसका मतलब उससे है। हमने क्या निकाल लिया, वेग निकाल लिया। अब वेग जब निकाल लिया तो वेग का मतलब क्या होता है, वेग का मतलब है लेंथ पर सेकंड है ना, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करें कि वो आयतन बन जाए, लेंथ, लेंथ को आयतन बनाने के लिए किससे करें, एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एरिया से मल्टीप्लाई करोगे इसके इस पाइप के एरिया से, तो जैसे इस एरिया से मल्टीप्लाई किया इस वी को, तो वो क्या बन जाएगा मेरा, वो बन जाएगा प्रवाह की दर। अब एरिया कौन सा, जहां से पानी बह रहा है, अब आप इसका एरिया मत ले लीजिए, किसका लेना है इसका एरिया लेना है, इसका डायमीटर कितना है 1 सेंटीमीटर है ना, तो इसका रेडियस कितनी हो जाएगी आर डे, वो हो जाएगी हाफ सेंटीमीटर। हाफ सेंटीमीटर को अगर उसमें कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे 1/2 × 10⁻²⁻² मीटर में लिखोगे ठीक है। दूसरा अच्छा वो किसमें पूछा गया है, सीसी में पूछा गया तो बदलने की जरूरत है ही नहीं ठीक है, किसमें पूछा गया है सेंटीमीटर में पूछा गया तो उसको बदलने की जरूरत है ही नहीं, बदलना किसको है इस वेग को जरूर बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर पर सेकंड में ठीक है। बदल लेते हैं तो यहाँ से इस वेग को सेंटीमीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो क्या करूंगा, मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा करूंगा, जैसे 100 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 396 सेंटीमीटर पर सेकंड ठीक है। तो रख दीजिए यहाँ पे, तो ए हो गया मेरे पास पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करूंगा तो 1/4 हो गया। देन उसके बाद में वी, वी कितना है 396 3.14 × 396/4, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास फाइनल जो वैल्यू मिलेगी वो फाइनल वैल्यू क्या मिल जाएगी वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फाइनल वैल्यू मिलेगी 311, कितने मिलेगी 311 cc पर सेकेंड। ये क्या होगी इसकी भाई प्रवाह की दर, किसके जो भी लिक्विड है उसके प्रवाह की दर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ठीक है। आगे समझ में, ये क्वेश्चन लेने का मेरा रीजन यही था, आपको हमेशा एग्जामिनर नीचे वाली हाइट देगा ऊपर वाली हाइट नहीं देगा, फॉर्मूले में कौन सी है ऊपर वाली हाइट है, तो आपको उसमें कन्वर्ट करना, वो निकाल के फिर इस इक्वेशन को सोल्व करना है। डायरेक्ट सोल्व करोगे आंसर, जैसे आप निकालोगे जो भी आपका आंसर निकलेगा वो आपको ऑप्शन ए में मिलेगा है ना, ए ऑप्शन है तो इसका मतलब क्या है कि वो आपको सबसे पहले दिया गया कि आप देखते उसको लगा तो आगे देखो ही नहीं ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चलिए तो इसमें जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है अभी तक उस पे जो बनते हैं जिस टाइप के वो सारे सारे मैंने ले लिए हैं। अब नेक्स्ट इसका आगे का टॉपिक पे चलते हैं, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है शांता का ना, टॉपिक कौन सा आता है नेक्स्ट, आता है शांता यानी कि विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ठीक है, अगला टॉपिक कौन सा, शांता यानी कि विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी का मतलब क्या है, विस्कोसिटी का मतलब है कोई भी जो लिक्विड है उसके वो जो फ्लो करता है उस फ्लो करने का वेग क्या है
ठीक है। विस्कोसिटी का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मान लीजिए पानी है और शहद है, उसको मैं गिराता हूँ तो क्या होगा, पानी जो है वो जल्दी फ्लो कर जाएगा बजाय कि शहद के। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों? इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है कि जब भी कोई लिक्विड क्या करता है, गति करता है, तो क्या करता है, उसकी बहुत सारी सरफेस होती है। क्या होती है? परमाणुओं की या अणुओं की क्या होती है? सरफेस। जो सरफेस अर्थ के पास में होगी, जो सरफेस अर्थ के टच में होगी, उसका वेग कितना होगा? जीरो। और जैसे जैसे इससे ऊपर जाएंगे तो वेग में क्या होगी? बढ़ोतरी होती जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा जो वेग होगा, मैक्सिमम वेग क्या होगा? वो सबसे ऊपर वाले का। तो इसका मतलब ये सबसे ऊपर आके नीचे गिरेगी। तो आप अगर आप जो बहुत स्ट्रीम लाइन जो फ्लो हो रहा है, यानी कि जो धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है, यानी कि आप पानी गिराइए और धीरे धीरे उसको बहने दीजिए, तो आप जब उसकी ध्यान से देखना, बहने वैसा जो पानी होता है नॉर्मल, कौन सा जो अपन जमीन पे गिराते हैं ना, एक लोटा पानी गिराना, उसको फिर धीरे धीरे जब बह रहा है तो उसको देखना, उसकी जो सरफेस होती है वो क्या होती है? कर्व्ड सरफेस होती है, कुछ इस तरह से होती है उसकी। क्यों होती है? क्योंकि इसका वेग सबसे ज्यादा, तो ये क्या करेगा? सबसे आगे जाएगी। तो सबसे आगे जाएगी तो नीचे कुछ भी नहीं, क्या करेगी? नीचे गिरेगी। तो सबसे नीचे, सबसे जमीन के टच में पहले कौन आएगी? अर्थ के रेस्पेक्ट में, सरफेस के रेस्पेक्ट में जो सबसे ऊपर वाली, वो सबसे क्या आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। इस तरह से क्या होता है, इसकी वेग बढ़ता है। तो मान लीजिए किसी, मान लीजिए कि यहाँ पे वेग कितना है v, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, मान लीजिए जेड डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, एक्स वाई में तो क्या चल रहा है, इसका फ्लो हो रहा है प्लेन में, ये जेड डायरेक्शन है, जेड एक्सिस है। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी होगी? dz। तो यहाँ जो वेलोसिटी होगी अगली वाली, जिसमें चेंजेस कितना है, तो वो कितनी हो जाएगी? v इक्वल टू dv प्लस dz। क्या हो जाएगी? v इक्वल टू, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? v प्लस dv प्लस dv अपॉन dz, यानी कि इसके इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में चेंज होने की वेलोसिटी, चेंज होने की दर क्या है, रेट क्या है? dv अपॉन dz। ठीक है, आगे समझ में, क्योंकि इसकी वेलोसिटी, इसकी जीरो है तो इसकी कुछ ज़्यादा होगी, कितनी होगी, जो भी होगी उस पर डिपेंड करता है dv अपॉन dz कितना दे रखा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेग प्रवणता। इसको क्या बोलते हैं? वेग प्रवणता, वेग प्रवणता। इंग्लिश में कहेंगे तो क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट जब भी नाम आता है, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जहां पे भी प्रवणता या ग्रेडियंट नाम आता है, उसका मतलब बड़ा सिंपल है कि उसका क्या हो रहा है, चेंज हम देख रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। जब भी डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में चेंज देखेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम प्रवणता या ग्रेडियंट बोलेंगे। बस इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? वेग प्रवणता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? वेग का डिस्टेंस के साथ में चेंजेस, वेग प्रवणता, ठीक है। दाब प्रवणता, दाब का डिस्टेंस के साथ में चेंजेस, दाब प्रवणता। फोर्स प्रवणता, यानी कि बल प्रवणता, बल का मतलब, इस तरह से जो भी प्रवणता नाम है, इसका मतलब डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में क्या देखना, उसका जो है चेंजेस कितना हो रहा है वो हमें देखना होता है, ठीक है। ये हमारी वेग प्रवणता है। तो यहां से जो है न्यूटन ने एक नियम दिया था इसके लिए, विस्कोसिटी के लिए। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि आपस में जो परतें होती है वो क्या करती है, जब एक दूसरे के ऊपर जाती है तो क्या करती है? घर्षण करती है, ठीक है। एक दूसरे के जब ऊपर, मान लीजिए परमाणु है, वो क्या करेंगे? गति करेंगे, तो क्या करेंगे? घर्षण करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे। और ये जो फ्रिक्शन होता है, ये जो घर्षण होता है, वो घर्षण बल क्या करता है? इसके बहाव को रोकता है। भाई घर्षण बल इसका मतलब क्या है, हमेशा ध्यान रखिए, मैंने आपको जो पढ़ाया था ये कहा था, घर्षण बल हमेशा गति का क्या करता है? विरोध करता है। तो ये क्या करेगा? इसको बहने नहीं देगा, ठीक है। तो बहने नहीं देगा, तो इसका मतलब उस घर्षण बल को हम यहाँ क्या कह रहे हैं? उसको कह रहे हैं श्यान बल। क्या कह रहे हैं? श्यान बल कहते हैं हम। क्या कहते हैं उसको? श्यान बल, है ना। तो वो जो श्यान बल है वो क्या कर रहा है? इसकी गति का विरोध करता है, ठीक है। तो जिसकी जितनी ज्यादा श्यान बल होगा, जिसमें जिसके पदार्थ के अणुओं के मध्य जितना ज्यादा श्यान बल होगा, उसकी विस्कोसिटी यानी कि श्यानता भी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसलिए क्या होता है, जो आपका शहद है, शहद की जो परतें होती है, इसके बीच में श्यान बल का मान क्या होता है? पानी की जो परतें हैं उसके उससे ज्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी विस्कोसिटी यानी कि ज्यादा होती है, ठीक है। तो किसकी ज्यादा हुई? शहद की ज्यादा हुई। क्यों? क्योंकि वहां पे उनकी परतों के मध्य लगने वाला जो श्यान बल है वो क्या है? ज्यादा है। तो न्यूटन ने एक नियम दिया था कि ये जो बल होता है, ठीक है, ये जो लगने वाला श्यान बल है, ये श्यान बल किसके समानुपाती होता है? एक तो जो आपकी वेग प्रवणता है उसके समानुपाती होता है। पहला तो किसके समानुपाती? वेग प्रवणता के, यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट के समानुपाती। दूसरा जो समानुपाती होता है वो किसके होता है? यानी कि जो परतें हैं, इस परतों के एरिया के, यानी कि इसके क्षेत्रफल है, उसके समानुपाती होता है, ठीक है। जब इन दोनों को मैं एक साथ लिखता हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये ए डी बी अपॉन डी जे, ठीक है। जब यहाँ से हम इसको इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ एक कॉन्स्टेंट आता है जिसे नीटा बोलते हैं, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं?
उसका श्यानता गुणांक, किसका, जो भी आप लिक्विड ले रहे हो उस लिक्विड का श्यानता गुणांक क्या होता है, नीटा। ठीक है, तो नीटा इक्वल एफ इक्वल टू क्या हो गया, नीटा ए डी बी अपॉन डी जेड। डी बी अपॉन डी जेड मेरा क्या है, वेग प्रवणता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ये जो साइन आता है किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि ये बल क्या कर रहा है, गति का विरोध करता है। ये बल क्या करता है, गति का विरोध करता है, इसलिए क्या लगाते हैं हम, माइनस का साइन लगाते हैं। यहाँ से अगर आपको नीटा पूछ लिया जाए तो बड़ा सिंपल सा है, क्या हो जाएगा, एफ ठीक है डिवाइडेड बाय ए डी वी अपॉन डी जेड। इससे आप नीटा की डायमेंशन अगर पूछी जाती है तो नीटा की डायमेंशन निकाल सकते हैं। फोर्स की डायमेंशन रखेंगे, एरिया की डायमेंशन रखेंगे, वेलोसिटी की रखेंगे, डिस्टेंस की रखेंगे, इससे डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। ये टास्क मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करके बताएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका क्या निकालना, नीटा का घातक निकालना, यूनिट, तो यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब, न्यूटन अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा मीटर से मीटर भी, एक मीटर से मीटर कैंसिल, तो न्यूटन अपॉन मीटर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर एंड टाइम स्क्वायर। ठीक है, टाइम भी नहीं, टाइम का स्क्वायर भी, टाइम भी एक बार आया, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ क्या आ रहा है, मीटर स्क्वायर, यहाँ क्या आ रहा है, मीटर, यहाँ आ रहा है मीटर पर सेकंड, तो मीटर से मीटर एक कैंसिल, तो क्या बचा, टाइम बचा, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू टाइम अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट यानी कि मात्रक आ जाएगा। ठीक है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर टाइम, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला के जो है यहाँ पे इक्वेशन मैंने आपको बता दिया है, छोटा सा टॉपिक था शांता का। ठीक है, शांता क्यों होती है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि शांता इसलिए होती है क्योंकि जो तरल होता है, जब वो बहता है, स्ट्रीम लाइन फ्लो करता है, तो उसकी जो परतें होती है उसके बीच में क्या लगता है, घर्षण बल लगता है, जो कि उस गति का विरोध करता है। ठीक है, अपोज करता है मोशन का, मोशन का अपोज करता है, तो इस मोशन को, इस फोर्स को क्या बोल रहे हैं अपन, श्यान बल यानी कि विस्कोस फोर्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये विस्कोस फोर्स होता है, इस विस्कोस फोर्स की वजह से क्या होता है, जिसका जितना ज्यादा विस्कोस फोर्स यानी कि श्यान बल होगा, उसकी उतनी ही ज्यादा विस्कोसिटी यानी कि श्यानता होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जिसको बहने में टाइम लगे, या जो बहने में क्या करे, बहने का विरोध करे, वो सब क्या होगा, उसकी श्यानता ज्यादा होगी, जैसे कि शहद की श्यानता पानी से ज्यादा होती है। अब न्यूटन ने क्या किया था, ये नियम दिया था कि जो वो विस्कोस फोर्स होता है वो क्या होता है, वेग प्रवणता यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एरिया यानी कि जो आपकी द्रव है, उस द्रव की जो परत है, उस परत का कितना एरिया है, उस एरिया के भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को साथ रखते हुए कॉन्स्टेंट नीटा आता है, जिसे क्या बोलते हैं, द्रव का विस्कोसिटी यानी कि शांता बोलते हैं, और ये शांता गुणांक जो होता है ना, विस्कोसिटी कोफिशिएंट, तो विस्कोसिटी कोफिशिएंट की वैल्यू कुछ इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। माइनस साइन क्या शो करता है, माइनस साइन शो ये करता है कि श्यान बल जो होता है वो क्या करता है, गति का विरोध करता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और मैं देख लेता हूँ कुछ ऐसी चीज़ जो कि आपके होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद तो कैसी कात वगैरह है वो अपन नेक्स्ट वाले टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो इसके जो न्यूमेरिकल है वो, और इसके जो नेक्स्ट का जो टॉपिक है कैसी कात यानी कि कैपेबिलिटी, वो जो है अपन नेक्स्ट उस वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो सब लोगों से ये निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और शेयर करें। ठीक है, ये बड़े सिंपल सिंपल से टॉपिक चल रहे हैं अभी। ठीक है, जिसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहती है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ना, तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं जो आपके, उसकी संभावना ज़्यादा रहती है, तो आप उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। फॉर्मूले जो है उन्हें याद करिए, या फिर उसको बनाना सीखिए, कि आप इस तरह से बनाना सीखें कि आप सिर्फ 2 मिनट में उसका आंसर या 1 मिनट में उसका आंसर निकाल सकें। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।